वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे कल क्या होगा कल क्या होगा कभी मत सोचो क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे और इन्हीं चंद बातों के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत कर सकते हैं करते हैं और हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेरी गुड इवनिंग नमस्कार मैं राहुल सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं हार्दिक अभिनंदन करता हूं ड्रीम क्लासेस में और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन बहुत डिमांड थी इस तरह के क्लास की बहुत सारे बच्चों ने आ, क्वेश्चन uh, बैंक को लेकर काफी ज्यादा कमेंट मैसेज बार बार मैं सुन रहा हूं सर क्वेश्चन बैंक करवाइए क्वेश्चन बैंक करवाइए तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे नमस्कार वेरी गुड इवनिंग स्वागत है आप सभी का ड्रीम क्लासेस में और बिल्कुल इस क्लास की शुरुआत करने से पहले हमारा जो सबसे बेस्ट मोटिवेशनल टॉपिक बेस्ट मोटिवेशनल दो लाइन कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती जब तक ये दो लाइन में बोलू नहीं ना मेरे अंदर का जो Uh, मेरे अंदर का जो पढ़ाने की जो क्षमता है वो बाहर नहीं आती मैं उस चीज को कर नहीं पाता हूं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और ये एक मोटिवेशनल शायरी ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज मैंने आपको अपने स्क्रीन के ऊपर रखा है ये बहुत मतलब ये काफी प्रभावशाली मतलब एक इंसान को जो है उसका भविष्य ये बदलने में काफी बढ़िया है ये मुझे काफी अच्छा लगा लिखा गया है कि वक्त से लड़कर जो इंसान नसीब बदल दे वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे भाई इंसान वही हाँ इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे और क्या पता कि कल क्या होगा कभी मत सोचो कल क्या होगा कभी मत सोचो क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे और हम लोग क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करने वाले हैं जी 2009 से लेकर 2021 तक जितने भी प्रीवियस बी ऑब्जेक्टिव सी बी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं सबका सॉल्यूशन करेंगे और जो रिपीटेड क्वेश्चन है हम उसको इग्नोर कर देंगे ठीक है भाई सिंपल सी बात है जो बार बार क्वेश्चन आ रहा है एक ही में तो क्या फायदा है? उसको हम रिमूव कर देंगे हटा देंगे और सीधे सीधे जो टॉप मोस्ट वीवीआई एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिएगा ठीक है सारे क्वेश्चन बैंक का ही सॉल्यूशन आज हम करवाएंगे चलिए जल्दी जल्दी से शेयर करिए फटाफट लाइक का बटन दबाइए शेयर करिए और शुरू करें चलिए भाई बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं सभी का वेलकम है स्वागत है हार्दिक अभिनंदन है ड्रीम क्लासेस में शुरू करें थोड़ा आप लोगों से निवेदन है अनुरोध है कि आज की क्लास को जल्दी जल्दी से शेयर करेंगे चलिए हम शुरू करते हैं जो बच्चे लेट हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे ठीक है और जो बच्चा ऑलरेडी जुड़ चुका है वो बहुत अच्छी बात है ड्रीम क्लासेस का लर्निंग एप इंस्टॉल करिएगा आखिरी समय बच रहा है जी एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो ये बहुत नाजुक पल है और इस समय मैं आपको बिल्कुल बोल रहा हूं कि ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है संजीवनी बैच ज्वाइन कर लीजिए खुद से ठीक है बहुत काम देगा बहुत फास्ट फास्ट करेंगे आज संजीवनी बैच ज्वाइन कर लीजिए और ये देखिए भाई आज हम आपके लिए टॉप 200 हंड्रेड एमसीक्यूज क्लास ट्वेल्व फिजिक्स क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करवाएंगे 2009 से लेकर 2021 तक और 22 में पक्का आएगा ऐसा हमारा मानना है बाकी देखिए क्या होता है चलिए शुरू करते हैं क्लास को पहला सवाल ये देखिए आपको किसी भी तरह की परेशानी हो आपको हेल्पलाइन नंबर भी लिख दिया गया है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर कोई परेशानी है तो हेल्पलाइन नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं बी एस सी बी क्लास ट्वेल्व फिजिक्स प्रीवियस इंस क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन ये सभी बोर्ड के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है खास करके बी वालों के लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा शुरू करें आ जाओ आ जाओ फटाफट लाइव आ जाओ वेरी गुड पहला सवाल पहला सवाल कि लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को हम कहां पे ले जाके रखेंगे प्रधान अक्ष पे रख दें प्रधान अक्ष पे अगर हम वस्तु को रखते हैं इस तरह के क्वेश्चन हमें क्लास टेंथ फिजिक्स में पढ़ना था जी पहला सवाल राइट आंसर बताइएगा कि लेंस द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे अगर हम वस्तु को ले जाकर रख दे प्रधान अक्ष पे ये क्लास टेंथ में भी पढ़ना था लेकिन यहां पे मैंने पूछा है बताइए जल्दी जल्दी अच्छा दो नंबर तो बड़ा आसान क्वेश्चन है क्योंकि ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है जी हाँ बिल्कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे दो प्रतिबिंब का निर्माण होगा जी कितने का दो प्रतिबिंब का निर्माण होगा पहला का राइट आंसर बी हो गया जल्दी से शेयर करिए जल्दी जल्दी से और बच्चे जुड़िए लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को रखा जाए प्रधान अक्ष पे राइट आंसर बी हो गया चलिए दूसरा क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन है जी रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए इस पर हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे सीधे सीधे आंसर पर टिक लगाएंगे सवाल क्या कर रहा है अच्छा ये फिगर भी देख लीजिएगा कि किस तरह से दो प्रतिबिंब बनेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा चौसठ समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता पांच माइक्रोफेराडे है मिलकर एक बड़े बूंद का निर्माण करती है तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी और क्वेश्चन नंबर तीन भी सॉल्व कर देंगे कि पांच ओम प्रतिरोध के एक तार को जिसका विभवान्तर सात बोल्ट है बीस मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न हो अभी बच्चे बहुत नाराज होंगे मेरे से क्योंकि हम बच्चों को बोल रहे सर न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे एक भी क्लासेस न्यूमेरिकल की नहीं हो पाई थोड़ा बिजी शेड्यूल था लेकिन हम बहुत जल्द न्यूमेरिकल लेकर आएंगे इसलिए हम इसके ऊपर डिस्कस ही नहीं करेंगे सीधे लेकर आएंगे न्यूमेरिकल चलिए तो दो का राइट आंसर तो भाई आसान है ये रिपीटेड क्वेश्चन है ट्वेंटी माइक्रो फेराडे और तीन का जो राइट आंसर है ये एज ए न्यूमेरिकल है लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि सर इसका राइट आंसर जो होगा वो 2800 कैलोरी होगा रिपीटेड क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर 2009 से 2020 का क्वेश्चन है सवाल था दूसरा नंबर क्वेश्चन चौसठ समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता पांच माइक्रोफेराडे मिलकर एक बड़े बूंद का निर्माण करती है बड़े बूंद की धारिता बीस माइक्रोफेराडे यहां पर कि ओम प्रतिरोध के एक तार का जिसका विभवांतर है बीस मीटर तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न उसमा अट्ठाईस कैलोरी होगा आगे बढ़ते हैं चलिए बिल्कुल एग्जाम का ये नाजुक पल आ चुका है और बहुत कम टाइम बच रहा है ऐसा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है बच्चों को खुद पता है तो एक बार में दो क्वेश्चन करेंगे। एक बार में पॉसिबल नहीं है दो, -दो सौ क्वेश्चन का ये सीरीज है अगर आप चाहते हैं कि एक एक एक-एक -कर, -कर, कर करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा अब वैसे भी बच्चों की डिमांड है कि सर फास्ट फास्ट करवाइए गर्दा उड़ा के स्पीड में कराइए चलिए तीसरा आयाम सूचकांक का मान कितना होता है जी? जीरो, एक और इनफाइनाइट के बीच जीरो और एक के बीच और हमेशा इनफाइनाइट चार विकल्प पांचवा क्वेश्चन कि जब प्रकाश की किरण एक ग्लास के स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग क्या होगा कहिएगा सर कुछ कुछ क्वेश्चन जाना पहचाना भाई प्रीवियस ईयर से जाना पहचाना तो रहेगा लेकिन बहुत जल्द कुछ नए नए चेहरे नए नए प्रश्न आपके आपके पास आने वाले हैं ठीक है चलिए फटाफट करिए फटाफट बताइए राइट आंसर वेरी गुड माइ डियर प्यारे प्यारे, प्यारे बच्चों राइट आंसर चार का सी हो गया और जब प्रकाश की किरण एक ग्लास के स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग धैर्य भाई इसका तरंग धैर्य घटता है क्या हो जाता है पांच का ए चार का सी आगे बढ़े आज मजा आ रहा होगा तो शेयर करने में क्या लग रहा है चलो शेयर करो अगर मजा आ रहा है तो आज शेयर करना आपका परम कर्तव्य है और दूसरा परम कर्तव्य संजीवनी बैच जिसका एडमिशन बहुत जल्द बंद होने वाला है ड्रीम क्लासेस के ऐप के ऊपर होम पेज पे वो बैच आपको दिखेगा एडमिशन बहुत जल्द समाप्त होने वाला है बाकी आपके ऊपर क्या है कि भाई लेना है या नहीं लेना है चलो छठा सवाल छठा सातमा दो क्वेश्चन करेंगे एक साथ फटाफट करेंगे चलो छठा और सातवा एक साथ करेंगे छठा सवाल प्रतिघात का मात्रक क्या होता है और सातवा क्वेश्चन की दासमिक संख्या ये सभी रिपीटेड है उसके बाद आपको नए नए चेहरे नए नए मुखड़े नए नए प्रश्न आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा ठीक है छठा सवाल प्रतिघात का मात्रक चार विकल्प महो ओम फेराडे एम्पियर सातवां सवाल दासमिक संख्या पच्चीस का दुई में कैसे लिखेंगे छठा और सवाल छठा और सातवां प्रतिघात का मात्रक ओम कोई डाउट नहीं है और सातवां नंबर क्वेश्चन कि भाई दासमिक संख्या पच्चीस को लिखेंगे ये आपका हो गया सात का सी छत का बी का सी आगे बढ़े बहुत बढ़िया शेयर करो शेयर चलो 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 फटाफट शेयर करो छे का बी सात का सी मजा आने वाला है और याद रखिएगा ड्रीम क्लासेस आपको सफलता की ओर लेकर जाएगी ये ड्रीम क्लासेस का वादा है छे का बी सात का सी आगे बढ़ते हैं आठवां सवाल लीजिए आपके स्क्रीन बोर्ड पर आठ और नौ दोनों एक साथ करेंगे कहिएगा सर दो, दो क्वेश्चन आप ही बोले हैं ना सर फास्ट फास्ट करवाइए तो लीजिए फास्ट फास्ट का मजा उठाइए ठीक है शिकायत का मौका नहीं देंगे आपको आठवां क्वेश्चन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है कहिएगा सर हल्का क्वेश्चन है हमको भी पता है हल्का है हल्का नहीं है बउवा आपको बार बार रिपीट हो रहा है ना इसलिए हल्का लग रहा है ठीक है जैसे ही कुछ नए नए चेहरे नए नए मुखड़े नए नए प्रश्न आपके स्क्रीन पे आएंगे ना तो फिर दिमाग थोड़ा सा खुलेगा नौवा सवाल ए और बी ए और बी के बीच जो है वो समतुल्य धारिता कितने के बराबर ये थोड़ा सा एज ए न्यूमेरिकल काम करेगा पर कोई बात नहीं चलिए आठ का राइट आंसर बिल्कुल आसान है भाई कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है सबको पता है सर जी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी अच्छा ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ जाए तो मजा नहीं आएगा बिल्कुल आएगा चलिए मोस्ट वीबीआई करते हैं क्योंकि प्रीवियस इन काफी बार पूछा गया है रिपीटेड क्वेश्चन है हाईलाइटेड क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है बामर श्रेणी और ए और तू ए और बी के बीच तुल्य धारिता क्या होगा क्वेश्चन नंबर नाइन तो भाई ए और बी के बीच तुल्य धारिता जो होगा हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया बीस बटे नौ माइक्रो फेराडे बहुत बढ़िया वेरी गुड मजा आ रहा है मजा आ रहा है नो मजा आ रहा है नहीं आ, आ रहा है आ रहा है हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है चलो बहुत बढ़िया नौ क्वेश्चन हम लोगों ने डील कर दिया भाई दसवां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर रखने वाले हैं लीजिए फिजिक्स को तोड़ मड़ोड़ के लीजिए ये कहिएगा सर ये तो इतना हाईलाइटेड है इसका तो आंसर देते देते हम लोग को याद आ गया आंसर कि यदि गोले पर 10 माइक्रो आइक्रोकुलाम है तो उसकी सतह पर उसकी सतह पर जो आपका होने वाला है विद्युतीय फलक्स ये देखो गलत लिखा हुआ है तीन सौ नहीं होगा गलत लिखा हुआ है चलो मैं अपने से आंसर लिख देता हूं थर्टी पाई ठीक है इन टू टेन टू पावर फोर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रतिकुलाम इज द राइट आंसर चलो गलत लिखा हुआ था दस का राइट right आंसर ये होगा जी थर्टी सिक्स पाई इंटू टेन टू पावर फोर न्यूटन मीटर स्कोर प्रतिकुलाम दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कोई बात नहीं टाइपिंग मिस्टेक है कोई बात नहीं हमने सही आंसर लिख दिया है हमने सही आंसर लिख दिया है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ठीक है 360 नहीं होगा चलिए आगे बढ़े वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अच्छा बायोलॉजी हाँ जी बायोलॉजी की भी बहुत सारी क्लासेस बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं मजेदार मजेदार सवाल मजेदार मजेदार क्लासेस हम बहुत जल्दी ये 2009 से करवा रहे हैं क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन है ये चलिए 11 और 12 चलिए 11 नंबर क्वेश्चन एक स्टेट गुलाम जो है वो कितने गुलाम के बराबर होता है क्वेश्चन नंबर 11 चार विकल्प और एक उभयोत्तर लेंस जिसमें म्यू की वैल्यू 1.5 है प्रत्येक तल की बकरता त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर हो तो लेंस की क्षमता कितने डायोप्टर के बराबर होगा कितने डायोप्टर के कितने डायोप्टर के बराबर होगा ये सवाल पूछता है आपसे बोर्ड ये सवाल पूछता है आपसे बोर्ड कि चलो भाई पहला क्वेश्चन एक स्टेट कूलाम बहुत आसान क्वेश्चन 3 to 10 to 9

ग्यारह ए बारह ए आगे बढ़ते हैं चलो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है बहुत कम टाइम में हमें 200 सौ प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है जी क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा आई थिंक मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन फटाफट बताइए तेरह नंबर क्वेश्चन और चौदह नंबर क्वेश्चन उसके बाद दो हजार दस ग्यारह बारह फटाफट आएगा अभी दो हजार नौ से चल रहे हैं तेरह नंबर क्वेश्चन ए और बी के बीच बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता ए और बी यहां पर चार माइक्रोफेराडे यहां पे भी चार माइक्रोफेराडे यहां भी चार यहां भी चार और यहाँ दो माइक्रोफेराडे इन दोनों के बीच ए बी सी आपको ये फिगर दिख रहा होगा ठीक है इन दो इन सबों के बीच तो तुल्य धारिता समतुल्य धारिता जो है कहिएगा सर ये तो न्यूमेरिकल है बनेगा नहीं बिल्कुल नहीं बनेगा भाई न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करना पड़ेगा अब बोर्ड पे हम लोग प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन करना कराने आए हैं तो न्यूमेरिकल बाद में करवा लेंगे बहुत जल्द हम न्यूमेरिकल की क्लासेस लेके आएंगे इस बार बिना बोले लाएंगे लेकिन तेरा का राइट आंसर भी करेंगे चलो चो, चलो बहुत बढ़िया वेरी गुड मजा आ रहा है आज कुछ स्पेशल लग रहा होगा अगर ऐसी बात है तो शेयर करना आपका परम कर्तव्य हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे विनम्र बि, विनम्रता से अनुरोध करेंगे कि आप शेयर करिए इस वीडियो को चलिए चौदह और पंद्रह दो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है चौदह नंबर थोड़ी टू ट्वेंटी के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है और क्वेश्चन नंबर पंद्रह कि एक लौह चुंबक के पदार्थ की चुंबकशीलता जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं इसकी क्या वैल्यू होगी चौदह और पंद्रह चौदह और पंद्रह दो सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है तो चौदह नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बच्चा बाडी चौदह का राइट आंसर जो होगा वो होगा टू थर्टी सॉरी वन फोर्टी हाँ जी वन फोर्टी चौदह का बी आपका राइट आंसर होगा और एक लौह लौ चुंबक के पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू जो है वो डिनोट करेगा कि म्यू जो होगा वो इज ग्रेटर देन वन म्यू इज ग्रेटर देन वन चौदह का बी पंद्रह का ए आगे बढ़े जी हाँ बहुत बढ़िया चौदह का बी पंद्रह का ए क्वेश्चन बैंक आपको पता है कि हर साल क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पूछता है नहीं क्वेश्चन बैंक आपके लिए बहुत जरूरी है तो चलिए भाई क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन लेकर आए हैं विदाउट रिपीटेड क्वेश्चन नंबर सोलह एक प्रत्यावर्ती धारा के शिखर बोल्टता अगर चार सो सॉरी एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर बोल्टता अगर 440 बोल्ट है तो इसकी आवासी बोल्टता आपको पता होना चाहिए कि आवासी बोल्टता जो होता है आवासी बोल्टता जो होता है अच्छा अच्छा हाँ सोलह का बताइए राइट आंसर हाँ जी हाँ जी आवासी बोल्टता ये आपका हो जाएगा 220 सौ बीस रूट टू बोल्ट हाँ टू ट्वेंटी रूट टू वोल्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सोलह का सी अच्छा हेल्पलाइन नंबर तो सबको पता होगा मुझे नहीं लगता है कि ये हेल्पलाइन नंबर आपको लिखाने की जरूरत है किसी भी अगर आपको किसी भी बैच का लिंक चाहिए बस इस पर एक व्हाट्सअप कर दीजिएगा ऑटोमेटिकली इधर से लिंक चला जाएगा मतलब मुझे भेजने की जरूरत और आपको मांगने की जरूरत नहीं है ऑटोमेटिकली चला जाता है जैसे आपको संजीवनी का लिंक चाहिए या कोई भी बैच हमारे ड्रीम क्लासेस ऐप का लिंक चाहिए तो इस पर व्हाट्सअप करिएगा ना तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली चला जाता है वहां से ठीक है चलिए आगे बढ़े वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सत्रह का ये कैसे होगा भाई सत्रह नंबर क्वेश्चन तो हम लिखाए भी नहीं है एक बच्चा कह सर का राइट आंसर गधा अभी तो ही सॉरी अभी तो सोलह ही क्वेश्चन पे गए हैं सत्रह नंबर क्वेश्चन अब देखो आया है एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता बारह डायोप्टर है एक ग्लास एक आवर्धक ग्लास की क्षमता अगर भाई बारह डायोप्टर है तो इसकी आवर्धक क्षमता कितने के बराबर है एक ग्लास की क्षमता बारह डायोप्टर है ठीक है तो उसकी आवर्धक क्षमता कितने के बराबर है आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर सत्रह का राइट आंसर कि ये जो होता है वो वन बाई थ्री होता है वन बाई थ्री करेंगे तो बारह का थ्री करेंगे यानी कितने डायोप्टर के बराबर होगा चार डायोप्टर के बराबर होगा ये नॉर्मल सॉल्यूशन है बाकी इसको हम फॉर्मूला से इसको बना सकते हैं कितने डायोप्टर के बराबर है आवर्धक क्षमता चार होगा जी सत्रह का ये चलिए आगे अठारह नंबर क्वेश्चन पर आइए कि दस एम्पियर की धारा एक तार से अगर दस सेकेंड के लिए प्रवाहित होती है तो तार का विभाग पंद्रह बोल्ट है, तो किया गया कार्य कितने जूल के बराबर है डब्ल्यू जो होगा वर्क जो है वो कितने जूल के बराबर होगा ये क्वेश्चन नंबर अठारह आपसे पूछ रहे हैं बताइए फटाफट करते हैं एक दिन सॉल्यूशन क्लास लेकर आएंगे प्रॉमिस करते हैं आज जितना स्पीड में जा रहे हैं ना अगले दिन उतना ही आराम आराम से सॉल्यूशन क्लास करवाएंगे अठारह नंबर क्वेश्चन बताइए अठारह नंबर क्वेश्चन क्या होगा अठारह नंबर क्वेश्चन होगा कि सर जब इस तरह के कंडीशन आएंगे तो साढ़े सात सौ जूल कितने साढ़े सात सौ जूल खपत होगा जी नहीं अठारह का सी नहीं होगा अठारह होगा अठारह का डी होगा गलत आंसर है जो बच्चा अठारह का सी दिख रहा है अठारह का डी होगा दस एम्पियर की धारा पंद्रह दस सेकेंड के लिए प्रवाहित होती है विभवान्तर अगर पंद्रह बोल्ट हो तो किया गया कार्य डब्ल्यू जो होगा वो साढ़े जूल के बराबर होगा चलिए आगे बढ़ते हैं बिल्कुल बिल्कुल भी रुकते नहीं है रुकेंगे तो फिर टाइम टा, वेस्ट हो जाएगा बताइए अठारह नंबर क्वेश्चन हो गया है ना हाँ अठारह हो गया उन्नीस और बीस एक साथ करते हैं चलिए एक बेहतरीन सवाल बेहतरीन सवाल पूछता है बोर्ड कि चित्र में दिखाया गया ये जो लॉजिक गेट है ये कौन सा है जी ओ है एन है एन है या एन ए एन बताइए फटाफट बताइए क्या होगा राइट आंसर उन्नीस नंबर क्वेश्चन फटाफट बताइए क्या होगा राइट आंसर कौन सा गेट है ये जो दिखाया गया लॉजिक गेट है वो कौन सा है बहुत बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और कह रहा है कि यदि 20 नंबर क्वेश्चन यदि निर्बाध से 6000 हजार एंगस्ट्रम तरंग धैर्य का एक वर्णी प्रकाश अगर एक दशमलव पांच अपवर्तनांग वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है तो इस माध्यम का तरंग धैर्य क्या होगा ये बताना है आपको चलिए 19 और 20 देखो भाई ये जो आपको लॉजिक गेट दिख रहा है ना ये आपका है ए एंड डी गेट बिल्कुल कोई डाउट नहीं है ये आपका कौन सा गेट हो गया ये आपका ए एंड डी गेट है शेयर करिए ना शेयर करिए लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और शेयर करने वाले बच्चों की कभी हार नहीं होती चलो फटाफट शेयर करो हमारे शेर ठीक है हमारे ड्रीम क्लासेस के शेर हो आप लोग और शेर अगर शेयर ना करें

तो ऐसे बच्चे जो बहुत बढ़िया कर रहे सभी का वेलकम है ड्रीम क्लासेस में और आप लोग क्या हो भाई आप लोग हो ड्रीम क्लासेस के शेर चीते हो आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर हम करेंगे एग्जाम से पहले हम दावा करते हैं कि एक नई ऊर्जा का संचार एक नई ऊर्जा का संचार हम आपके अंदर करेंगे आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक कितना होता है आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होगा कुलाम प्रति मीटर न्यूटन प्रति मीटर कुलाम प्रति बोल्ट या मीटर व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फटाफट बताइए फटाफट बताइए क्या होगा राइट आंसर फटाफट बताइए आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होगा इक्कीसवा सवाल राइट आंसर क्या होगा भाई ये होगा कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर कुलाम पर मीटर स्क्वायर दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बहुत बढ़िया नहीं 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 इक्कीस का डी नहीं होगा इक्कीस का ए होगा इक्कीस का डी नहीं होगा आगे बढ़ते हैं चलिए बाईसवा सवाल लो बाईस और तेईस एक साथ जो भी न्यूमेरिकल है हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं जानबूझकर ताकि समय की बर्बादी ना हो इसके लिए हम सभी बच्चों से माफी मांगते हैं लेकिन हम प्रॉमिस करते हैं कि हम बिना बोले न्यूमेरिकल की क्लास लेकर आएंगे बहुत जल्द ठीक है सवाल किसी गोलीय के अंदर यदि प्लस प्लस आवेश आवेश रख दिया प्लस क्यू आवेश रख दिया दिया जाए जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युतीय फलक्स विद्युतीय फलक्स जिसको हम बोलते हैं फाई विद्युतीय फलक्स फाइ जो होगा वो कितना होगा बताइए यदि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए यहां पर क्या होना चाहिए यहां होना चाहिए प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपन्न संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फल कितना होगा चार विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर है बाईस सवाल क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे हैं जी क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे हैं राइट आंसर होगा क्यू बटे इफ नोट दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या बात है एकदम एनर्जी के साथ ठीक है मजा आ रहा है आज वेरी गुड वेरी गुड आज एकदम एनर्जी के साथ करेंगे बच्चा बाड़ी। आज पूरी ऊर्जा का संचार करेंगे चलिए क्वेश्चन नंबर तेईसवा प्लस टेन माइक्रोकुल और माइनस टेन माइक्रोकुल के दो बिंदु आवेश परस्पर अगर चालीस सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं देखो गलत गलत टाइपिंग बच्चा करके लाता है ठीक है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी ये न्यूमेरिकल है इस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे हम पहले बोले कि न्यूमेरिकल पर हम ज्यादा ध्यान आज नहीं देंगे मैंने ये भी बोला है कि हम बहुत जल्द न्यूमेरिकल की बेहतरीन बेहतरीन क्लासेस लगवाने वाले हैं तो आप तेईस नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है सीधे सीधे हम टिक लगा कर चलेंगे इसलिए हम तेईस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि क्वेश्चन ही थोड़ा सा रिटर्न इसका टाइपिंग गलत है चौबीसवा सवाल चौबीस और पच्चीस दो सवाल आ चुके हैं आपके स्क्रीन के ऊपर फटाफट आंसर बड़ दे दीजिए क्या होगा राइट आंसर चौबीस नंबर क्वेश्चन विद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा मोस्ट लीजिए आ चुका है आपके पसंदीदा सवालों में से एक सवाल कहता है चौबीस नंबर कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है और पच्चीस नंबर क्वेश्चन यदि सौ वोल्ट तक आवेश करने पर एक संधारित्र की धारिता अगर एक जूल हो कितना हो एक जूल हो तो संधारित्र की सॉरी संचित धारिता जी माफी चाहते हैं संचित धारिता संचित ऊर्जा क्या हो एक जूल हो फिर से क्वेश्चन पढ़िए गलत बोल दिया मैंने यहां पर यदि सौ वोल्ट तक आवेश करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा अगर एक जूल हो तो संधारित्र की धारिता जो होगी 25 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर जो होगा टू टेन टू दावर माइनस फोर फैराडे दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गलत दे रहे हैं कुछ कुछ बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर हम चाहेंगे कि वो अपना आंसर सुधार लीजिए 100 तो वोल्ट तक आवेश करने के लिए एक संधारित्र की संचित ऊर्जा अगर एक झूल हो तो संधारित्र की धारिता दो गुणे दस पर पावर माइनस चार फेराडे अच्छा राजीव कुमार कह रहे हैं सर आपको न्यूमेरिकल ही नहीं आता <laughs> भाई न्यूमेरिकल की क्लासेस एक दिन लाने दो फिर देखना कि राहुल सर कैसा पढ़ाते हैं न्यूमेरिकल टेंशन मत तो राजीव ठीक है टेंशन नहीं लो आप एक दिन वेट करो बस हमारा ठीक है जिस दिन आ गए ना उस दिन बताते हैं कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है ऐसे ऐसे ट्रिक्स ऐसे ऐसे तरीके हम आपको बताएंगे ना जो आप शायद आपको ऑफलाइन वाले टीचर भी नहीं बताते होंगे ये दावे के साथ मैं कहता हूं ठीक है राजीव ज्यादा मैसेज मत करिए यहां ब्लॉक कर दिया जाता है एक बार मैंने आपकी बात सुन ली है ठीक है स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध अगर आधा कर दिया जाए क्या कर दिया जाए स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का जो प्रतिरोध है उसको जस्ट हम आधा करते हैं तो उत्पन्न उष्मा जो है उस कितने के बराबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26. याद रखिएगा कि जब हम स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा करेंगे तो उत्पन्न उष्मा जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दुगना क्या होगा जी ये आपका हो जाएगा दुगना बच्चा पाड़ी अच्छा जिस जिस बच्चे ने ड्रीम क्लासेस का ऐप इंस्टॉल नहीं किया है जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का फटाक से सबर ऐप को इंस्टॉल करिए सत्ताइसवा सवाल अब कहिएगा कि भी हमको नहीं आता हम नहीं बताएंगे तो ऐसा मत सोचा करो ठीक है गलत सोच रखने वाले बच्चे बिल्कुल भी विकास नहीं करते जीवन में सत्ताइसवा करे साठ बाल्ट और चालीस बाल्ट ये दो वल्व है आपके पास अगर इन दोनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो उनकी सम्मिलित शक्ति पावर कितना होगा अब कहिएगा सर राहुल सर कोई भी नहीं आता है ठीक है <laughs> लेकिन अभी न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन नहीं करवाएंगे क्योंकि समय नहीं हो पाएगा ना फिर 200 क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे 40-50 पे ही रह जाएंगे तो अंदर से एक मलाल आएगा ना टेंशन मत लीजिए करवाएंगे सब कुछ आपको ठीक है चलिए जी साठ और 40 है ना वन बाई सिक्सटी चौबीस कितना होगा चलो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सत्ताईसवा सवाल साठ बाट और चालीस बाट के दो बल्ब अगर इन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़े तो उनकी सम्मिलित शक्ति जो होगी वो चौबीस बाट के बराबर होगा और अट्ठाईस नंबर के विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है बड़ा आसान क्वेश्चन है कि सर विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होगी हाँ जी बी स्क्वायर बटे आर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आगे बढ़े हा बिलकुल हाँ, बिल्कुल 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 सिंपल एक बच्ची है सरकारी है सर बायोलॉजी का भी लाइए बहुत बढ़िया बिल्कुल सही कहा आपने हम बहुत जल्द लेकर आएंगे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उनतीसवा सवाल और तीसवा सवाल उन्तीस और तीस दो सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर उन्तीसवा कहता है प्रश्न कि आदर्श एमीटर का रेसिस्टेंट प्रतिरोध क्या होगा उन सवाल कहता है आपसे कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है और तीसवा भी कहता है कि यदि एक तार से एक कैम्पियर धारा गर्म प्रवाहित कर दे यदि तथा प्रवाहित हो रही है तथा यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटूट ये तो सबको पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटूट 10 तू डी पावर माइनस तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी एक मजेदार लाजवाब प्रश्न उनतीस और तीस दोनों आपके स्क्रीन के ऊपर है तीस नंबर क्वेश्चन करा है एक बार और निवेदन है कि थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा जरा आप लोग अभी आपके और भाई बहन मित्र लोग जुड़ेंगे लेकिन आप शेयर नहीं कर रहे इसलिए नहीं जुड़ पा रहे ठीक है नंबर क्वेश्चन आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध क्या होगा और तीस नंबर क्वेश्चन कि एक तार में अगर एक की धारा प्रवाहित हो रही है और यदि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर सबको पता है कि सर चार्ज ऑन जो होता है वो टू दी पावर होता है तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी तो चलिए हम उन्तीस और तीस का सोल्यूशन करते हैं उन्तीस सबको पता है कि आदर्श ए मीटर है तो प्रतिरोध शून्य होगा और तीस नंबर क्वेश्चन की सर ऐसे कंडीशन में ठीक है प्रवाहित इलेक्ट्रॉन uh, की संख्या सिक्स पॉइंट सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू दी पावर एटीन दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन और तीस हो चुका है बहुत बढ़िया वेरी गुड का सी नहीं होगा बच्चा सी बोल रहा है कोई कोई नहीं गलत दे रहे हो जी तीस का आप सी नहीं होगा तीस का बी होगा उनतीस से तीस बी चलो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट करते हैं इकतीस नंबर क्वेश्चन बताओ चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर अवस्थित एम जो है एम वेक्टर जो है चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल जो हमारा बल जिसको बोलते हैं क्या होगी भी बोल सकते हैं टाउ भी इसको बोला जाता है डिपेंड करता है भाई कौन बच्चा किस तरह से इसको पुकार रहा है बताइए पूछता है आपसे क्वेश्चन बहुत बढ़िया एनर्जी कम गया है थोड़ा सा का बात बाजी लाओ अंदर एनर्जी एनर्जी लाओ बच्चा बताओ फटाफट आंसर दो क्वेश्चन नंबर इकतीस हम आपके स्क्रीन के ऊपर ला चुके हैं तो भाई इकतीस नंबर क्वेश्चन एनर्जी लाने की जरूरत नहीं है खुद समझदार बनिए कि टाउ जो होगा वो एम वेक्टर टाउ जो हमारा होगा टाउ इज इक्वल टू जिसको टॉक भी बोल सकते एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज द राइट आंसर ये होगा जी इसका फॉर्मूला यानी तीस, तीस का राइट आंसर क्या हो गया इकतीस का ए हो गया बहुत बढ़िया चलिए बढ़ते हैं आगे बत्तीस और तेतीस तभी क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होगी वो क्या होगी अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति बताना है तेतीस नंबर क्वेश्चन ये डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है ये आसान आसान क्वेश्चन है तो ऐसा करते हैं ना चौतीस भी साथ में ले आते हैं ठीक है तेतीस बत्तीस तेतीस चौतीस चौतीस नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी दि उच्चाई ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक और द्वितीयक में क्रमशः वन और एन टू लपेटे हों मतलब घेरे हों हूँ तो क्या होगा ऐसा कंडीशन में तो चलो भाई इकतीस नंबर क्वेश्चन ये ठीक है ना हाँ अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति स्थिर होती है डायनेमो आपको पता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है ठीक है गलती है जी बत्तीस था, था ना ये आपका एक सेकेंड वही मुझे लगा लगाने कहाँ लगा दिया विद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है बत्तीस ठीक है बत्तीस ए तेतीस बी और चौतीस बी चौतीस कह रहा है कि भाई ऐसे कंडीशन में एन टू जो है वो बड़ा होगा एन वन से चलिए हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है 32 से 33 34 भी 34 बी वही मुझे लगा कहां मिस्टेक मैंने कर दिया फिर मैंने आंसर देखा कि भाई ये तो गलत आंसर में टिक लगा रहा हूँ विद्युत चुंबक के प्रेरण पे बिल्कुल आसान है अच्छा ये बच्चा कह रहा है मेरी मदद कीजिए भाई हेल्पलाइन नंबर से बात कीजिए ना चलो आखिरी समय है परीक्षा का और ऐसे में नहीं पढ़िएगा तो रोते रह जाइएगा रोते रह जाइएगा और हम भी काम नहीं करेंगे कोई मदद नहीं कर पाएंगे पैतीस नंबर सवाल एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा और छत्तीस नंबर क्वेश्चन ये भी बहुत बढ़िया है जी यदि प्रत्यावर्ती धारा ये देखो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई एवं वोल्टेज के बीच कालांतर जो है इसको हम फाई मानते हैं क्या मानते हैं फाइ हो तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा चलिए पैंतीस और छत्तीस बताइए फटाफट आंसर तो पैंतीस नंबर क्वेश्चन एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक जो होगा वो 35 का राइट आंसर जो होगा वो हमारा बी होगा बहुत आसान और बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है और 36 नंबर क्वेश्चन ये भी आसान है कि सर आई साइन आई पी जो होगा वो आई साइन पी का आई साइन फाइ साइन आई गलत लिखा हाँ ठीक है आई साइन फाइ चलो ठीक है तो पैतीस का बी छत्तीस का सी पैतीस का बी छत्तीस का सी और अब बढ़ते हैं हम लोग सही नंबर प्रश्न की ओर सवाल आपसे आ चुका है स्क्रीन के ऊपर कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल माध्य मान और शिखर मान का जो रेशियो होगा तो ये आसान और रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसके ऊपर क्या होगा जी सैतीस का सैतीस का बताइए क्या होगा राइट आंसर फटाफट बताओ भाई फास्ट ही बता रहे हैं अब क्या घुस जाए कैमरे के अंदर तैतीस बताओ प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग मूल माध्यमान और शिखर मान का रेशियो क्या होगा तैतीस का रेट आंसर बताओ चलो बहुत बढ़िया वेरी गुड का राइट आंसर हो गया बी वन वाई रूट टू इज द राइट आंसर चलो आगे बढ़ते हैं नहीं चलो हाँ अगर फास्ट फास्ट ही करना है तो लो अड़तीस और उनचालीस दो सवाल आ चुका है आपके स्क्रीन के ऊपर बस अब आपका काम है कि, कि कितना जल्दी इसका आंसर देते हैं अड़तीस नंबर क्वेश्चन की पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी ouais में यदि किसी चुंबक के सुई के दोलन की आवृत्ति एन हो तो क्या होगा भाई बहुत बढ़िया सवाल पृथ्वी के पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र बी में यदि किसी चुंबक के सुई के दोलन की आवृत्ति एन हो तब क्या होगा और उनचालीस नंबर क्वेश्चन की पृथ्वी के चुंबक ध्रुव के पर नमन कोण का मान कितना होता है ये दो सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन चलो भाई जिसको पीडीएफ नहीं मिला है वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए ना एस जी गेमिंग बच्चा ये पागल हो गया दो तीन दिन से जब बोल रहे हैं कि आप बात करिए टीम से आपको पीडीएफ मिल जाएगा ऐसा थोड़ी कि हम लोग पीडीएफ नहीं देंगे तुम बात करोगे तब तो पहले एक बार बात करो वहाँ से अड़तीस नंबर क्वेश्चन देखिए जी एक लड़का का क्या प्रॉब्लम है चलिए अड़तीस नंबर क्वेश्चन राइट आंसर जो होगा वो होगा कि सर एन स्क्वायर ठीक है और ये समानुपात होता है किसके बी एच के समानुपात होता है और पृथ्वी के चुंबक पर नमन कोण का मान क्वेश्चन नंबर उनचालीस उनचालीस नंबर क्वेश्चन सबको पता है सर उनचालीस का होगा सी अड़तीस का बी उनचालीस का सी आगे बढ़े बहुत बढ़िया वेरी गुड मजा आ रहा है अरे आज तो आएगा ही मजा आज तो एकदम क्वेश्चन बैंक करवा रहे सॉल्व और किसी को दिक्कत है डाउट है तो भाई अपना निकालो क्वेश्चन बैंक देखो कि सही सही क्वेश्चन है या नहीं ऐसा नहीं कि धर दर से कराए पूरा पूरा क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं हम ठीक है चलो बनाओ बनाओ आंसर दो फटाफट चलो फटाफट -फड़ बताओ वेरी गुड वेरी गुड फटाफट करो हम्म चलो तो भाई क्वेश्चन नंबर चालीस कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है तो ये तो आसान क्वेश्चन है मुझे नहीं लग रहा कि ज्यादा दिक्कत वाला प्रॉब्लम है ये नहीं हाँ चालीस का राइट आंसर वेक्टर e गुने वी वेक्टर के समानांतर और एक उत्तल लेंस को अगर पानी में डुबाते हैं तो यह व्यवहार करता है अगर हम किसी उत्तल लेंस को पानी के अंदर डालते हैं सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी उत्तल लेंस को पानी के अंदर डालते हैं तो क्वेश्चन नंबर इकतालीस जो होगा कि ये उत्तल लेंस की तरह ही काम करेगा ऐसा थोड़ी वो अवतल हो जाएगा हाँ जी सवाल बहुत बढ़िया है कि अगर हम किसी उत्तल लेंस को पानी में डालते हैं तो पानी में डालने पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा वो काम उत्तल लेंस जैसा ही करेगा ऐसा नहीं है कि पानी में डाल दिए तो वो उत्तल से हो जाएगा अब तल ए होगा चलो आगे बढ़े बयालीसवा सवाल और तैतालीसवा दोनों एक साथ आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है तैतालीस बयालीस नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनाक सबसे अधिक होता है आसान क्वेश्चन आसान क्वेश्चन कहिएगा सर मत करिए सबको पता है कि सर हीरा का जो होता 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 है 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 वो सर्वाधिक होता है जी क्या होता है? हीरा का दूसरे की संपर्कित संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी कितने के बराबर होगा कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा तो छोटा सा टिक लगाते हैं कि सर ऐसे कंडीशन में माइनस दस सेंटीमीटर आपका होगा समायोजन की फोकस दूरी जी हाँ बियालीस का राइट आंसर बी हो गया बहुत बढ़िया अभी तेताली अच्छा तैतालीस का बी हो गया बयालीस का डी तैतालीस का बी आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी चौवालीस नंबर क्वेश्चन चौवालिस नंबर क्वेश्चन कहता है कि सामान्य समायोजन के लिए चौवालीस पैंतालीस दोनों करिए सॉल्व सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धक क्षमता कितनी होगी क्वेश्चन नंबर चौवालीस बताइए चौवालीस का राइट आंसर क्या होगा चौवालिस का बताइए जी राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताइए फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा प्रिया टेंशन हाँ जी सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता जो है वो आपका माइनस एफ ओ बटे एफ इज द राइट आंसर चौवालीस का ए पैतालीस का क्वेश्चन प्रकाश के रंग का कारण सबको पता है कि प्रकाश के रंग का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है पैतालीस नंबर क्वेश्चन प्रकाश के रंग का कारण बताइए क्वेश्चन नंबर पैतालीस जी पैंतालीस का हम्म पैतालीस वाले में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है ठीक है तो इसको हम ए मार रहे हैं लेकिन इसको डाउट क्वेश्चन में रखिएगा हम्म चलो आगे बढ़े इसको हम डाउट क्वेश्चन में रख रहे पैंतालीस को थोड़ा सा कहीं कहीं कुछ रहता है कहीं कुछ रहता है गलत गलत रहता है चलिए कोई बात नहीं फिर भी छियालीस नंबर क्वेश्चन की एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितने के बराबर होता है चलिए फटाफट बताइए छियालीस नंबर क्वेश्चन की अपवर्तनांक क्या है जी एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म का कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा और क्वेश्चन नंबर सैतालीस के बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है इस तरह के दोष को दूर करने के लिए हम बेलनाकार लेंस का व्यवहार करेंगे ऐसा क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन में आपसे पूछा गया है चलिए थोड़ा सा भीड़ बढ़ाइए बच्चे फटाफट पट शेयर करिए जल्दी जल्दी से एनर्जी को फिर से वापस लाओ एनर्जी जो कम गया है उसको वापस लाइए क्वेश्चन नंबर छियालीस और सैतालीस आपके स्क्रीन के ऊपर है 46 का राइट आंसर वन माइनस एन इंटू ए और सैतालीस नंबर क्वेश्चन आपको पता है कि सर जी बेलनाकार लेंस का प्रयोग जो है वो दीर्घ दृष्टि दोष सॉरी दीर्घ दृष्टिता ठीक है नहीं नहीं निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अब लेंस दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार के लिए है ये मेरे से ये होना चाहिए आपका राइट right आंसर गलत है या नहीं इट हाँ जी दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सैंतालीस का राइट right आंसर क्या होगा सी होगा हाँ हाँ गलत है बिल्कुल गलत है आई कैन अंडरस्टैंड तैतालीस का राइट आंसर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन चलो आगे बढ़े कोई बात नहीं <laughs> चलो रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट की किसी बिंदु स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र क्या होता है भाई किसी बिंदु स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र जो होता है वो गोलाकार होता है वेलनाकार होता है समतल होता है या अच्छा चौथा भी समतल ही हो गया सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है सतत रेखीय काली रेखा का स्पेक्ट्रम या काली पट्टी का स्पेक्ट्रम 48 और उनचास विकल्प नहीं नहीं वो बाय मिस्टेक वहां पर हो गया था आदित्य भाई हम भी इंसान है आप भी इंसान हो चलो बताओ किसी बिंदु स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र क्या होगा क्वेश्चन नंबर 48 एट क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट राइट आंसर होगा भाई गोलाकार और क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है वो क्या होता है तो फोर्टी नाइन नंबर क्वेश्चन का राइट right आंसर भी जो होगा सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम का बताओ क्या होगा राइट आंसर जी, बिल्कुल 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 सही आंसर है सतत होगा सतत मतलब लगातार चलो आगे बढ़े पचासवा सवाल पूछता है आपसे कि लेमडा धैर्य वाले फोटोन की ऊर्जा जो है वो कितने के बराबर होगी बताइए पचास नंबर क्वेश्चन सवाल बहुत बढ़िया आपसे पूछा जा रहा है कि लेमडा तरंग तरंगधे वाले फोटोन की ऊर्जा और इक्यावन नंबर क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा रहा है कि जितने समय किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आदि हो जाती है उसे क्या कहते हैं औसत आयु अर्ध आयु आवर्तकाल या अक्षय नियतांक चार विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर पचास और इक्यावन दो क्वेश्चन आपसे स्क्रीन के ऊपर पूछा गया है पचास नंबर क्वेश्चन एच सी बाई लेमडा दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन और याद रखिएगा ये है आपका मोस्ट वीवीआई मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पचास नंबर क्वेश्चन इक्यानवा की इक्यावनवा जित, की जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाए उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं जी उसे हम कहते हैं अर्ध आयु ठीक है इक्यावन का राइट आंसर बी हो गया पचास का बी इक्यावन का बी पचास का भी इक्यावन का भी और बावनवे क्वेश्चन की ओर हम लोग चल पड़ते हैं बावनवा बावनवा कि ताप बढ़ने से आप, आ, ताप बढ़ने से अर्धचालक की विशिष्ट ऊर्जा पर सॉरी विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध भाई बच्चा पार्टी ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध घट जाता है चलो ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाता है घट जाता है अब थोड़ा स्लेटर पे हैं हैं -फट करते है. बताओ इक्यावन सॉरी ये हो गया ना बावन हो गया तिरपन और चौवन फटाफट बताओ तो जरा तिरपन और चौवन बताइए जरा फटाफट की एन गेट का बोलिए व्यंजक क्या होगा और आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचकांक जो है वो कितने कितने के बीच ये थोड़ा सा रिटर्न गलत है मतलब टाइपिंग गलत है मैनेज करिएगा बताइए गेट का बोलिए बेंजा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर कहता है कि सर तिर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा हर बच्चा कॉपी में नोट करेगा ये क्वेश्चन बैंक अगर नहीं है उसको पता तो क्योंकि क्वेश्चन बैंक एक ऐसा चीज है जहां से हर साल क्वेश्चन पूछता है ठीक है क्वेश्चन बैंक एक ऐसा चीज है जहां से हर साल क्वेश्चन पूछता है और आप इसका बिल्कुल बेसब्री से इंतजार करते हैं इस चीज का और आज हम लेकर आए हैं तो आप पीछे नहीं, नहीं हटियेगा ठीक है ठीक है जी चलो क्वेश्चन नंबर आयाम अधिनियम ये आपका चौवन नंबर क्वेश्चन है ना चौवन नंबर क्वेश्चन जो होता है वो कहलाएगा सर जीरो और एक के बीच में राइट आंसर होगा जी चौवन का राइट आंसर बी हो गया आगे बढ़े तिरपन का डी चौवन का बी बढ़ते हैं आगे अगले पचपन क्वेश्चन पर पचपन नंबर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन जी हाँ क्यों क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई सवाल करे कि पृथ्वी के किसी स्थान पर भाई वीवीआई सिंपल सी बात है क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करवा रहे पूछने की बात क्या है कि सर वीवीआई है जब ये प्रीवियस प्रीवियसियस पूछा गया है तो सिंपल सी बात है इंपॉर्टेंट है वीवीआई है खतरनाक है जो आप इसको कहिए जितनी तारीफ करे वो तारीफ इसके लिए कम पड़ेगा तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर पचपन की पृथ्वी के किसी थान पर एक टीवी टावर की ऊंचाई 245 सेंटीमीटर है जिसकी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण कितने दूरी तक इसका प्रसारण हम पहुंचा सकते हैं तो ये आसान तो है लेकिन रिपीटेड है तो कहेंगे सर कि इसको जो है बोलेगा हाँ जी छप्पन किलोमीटर तक ये जाएगा अगर ऊंचाई दो सेंटीमीटर है तो का सी आगे बढ़े चलो बहुत बढ़िया रुकते नहीं है बनना बहुत टाइम लग जाएगा संतावन नंबर आपका नोमेरिकल है अगर दिख रहा है तो सॉल्व करिए नहीं तो हम डायरेक्टली टिक लगाएंगे क्योंकि नोमेरिकल की स्पेशल क्लास हम लगवाने वाले हैं चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर के किसी सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र ई मान क्या होगा

बड़े आगे कहिए बड़ी है जब बताइएगा ही नहीं तो रुके क्या चलो फिगर दिख रहा होगा अंठावन नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए चित्र में दिए गए चित्र में यदि क्यों आवेश पर कुल प्रभावी बल शून्य हो क्या हो जीरो हो दिए गए चित्र में यदि क्यों आवेश पर कुल प्रभावी बल शून्य हो तो Q का मान क्या होगा यह क्वेश्चन नंबर अंठावन पूछता है आपसे उनसठ कह रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है अगर हम किसी आप पहले यह बताइए कि आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे या हम आपको ब्लॉक करवा दें चलो तो जी एक लड़का को ब्लॉक करो तो इतना देर गधा जैसा यहाँ पे कर रहे हो मैसेज कर कर के जब हम बोल रहे हैं कि एक बार हेल्पलाइन नंबर पे बात करो मिल जाएगा समझ में नहीं आ रहा है तुमको अब करो एसएमएस इतना प्रेम पूर्वक से बोल रहे दो दिन से इस बच्चे को बोल रहे हैं कि भाई आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात करिए ये काम हमारी टीम का है मैं नहीं करता हूं ये काम जो बच्चा यहां पर पैसा दे रहा है अगर वो एक रुपया भी क्यों ना हो उसको नोट्स मिलता है इस चीज को आप याद रखिए कान खोलकर ठीक है और अगर आप अगर आपका बाय मिस्टेक नहीं मिला अगर हजार बच्चा में एको को नहीं मिला तो इसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है चलो चलो जी क्वेश्चन नंबर राइट आंसर क्या होगा राइट right आंसर होगा कि भाई इस फिगर को अगर आप देखिए तो अगर क्यू का जो मान होगा वो टू रूट टू होगा बच्चा टेंशन ला देता है और जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो है वो क्या होगा बढ़ भी सकता है घट भी सकता है यानी डिपेंड करेगा कि हम किस वस्तु को आवेशित कर रहे हैं ठीक है अगर हम किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका जो द्रव्यमान है वो बढ़ेगा या घटेगा ये डिपेंड करेगा उस वस्तु पर कि हम किस वस्तु को आवेशित कर रहे हैं यानी राइट आंसर डी होगा आपका चलो साठवें सवाल की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी रहा है कि की किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूरी बहुत आर दूरी पर विद्युत विभव जो है वो समानुपाती होगा ठीक है आर दूरी पर विद्युत विभव जो है वो समानुपाती होगा किसके 60 नंबर क्वेश्चन बताइएगा किसी सूची में विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर विद्युत विभव जो है वो समानुपाती होगा चलो आगे बढ़ाओ 60 नंबर क्वेश्चन फटाफट बताओ राइट आंसर चलो बहुत बढ़िया वेरी गुड बहुत बढ़िया वेरी गुड अरे भाई हैप्पी बर्थडे कौन बोल रहा है किसका बर्थडे है हमारा नहीं है जी <laughs> वन वाई आर का स्क्वायर दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिसक्टर आगे बढ़े पढ़िए लिखिए बार बार उसको हम समझा रहे थे कि यहाँ पे नहीं करिए मैसेज यहाँ डिस्टर्ब होता है पढ़ाने में ऐसा थोड़ी ना कि आपने फीस जमा की और हमारी टीम आपको नोट्स नहीं देगी ऐसा कभी हुआ ही नहीं ऐसा किसी बच्चे के साथ अरे कम एक आगो इधर उधर हो गया होगा ठीक है बात करिए टीम से नोट्स मिलेगा आपको हेल्पलाइन पर फोन नहीं करिएगा और यहाँ परेशान करिएगा सुविधा तो है ना जी अभी भी लगाइए तो हेल्पलाइन नंबर पर देखिए टीम फोन उठाती है नहीं उठाती है फिर भी आप एकदम बिल्कुल अनपढ़ की तरह गवार की तरह कर रहे हैं आप यहां पे चलो सवाल है प्रभावी धारिता पांच माइक्रोफेराडे प्राप्त करने के लिए सिर्फ दो फेराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर इकसठ कि कम से कम अगर चार संधारित्र हमारे पास रहेगा ना कम से कम दो फेराडे के चार संधारित्र अगर हमारे पास रहेगा तो कितना माइक्रो फेराडे प्राप्त होगा संधारित्र प्रभावी संधारित्र पांच माइक्रो फेराडे यानी इकसठ का राइट आंसर ए हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं इकसठ का राइट आंसर ए हो गया बरसठवा सवाल सवाल करें किसी क्षेत्र विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आगुण पी वेक्टर है इस, इस स्थिति में द्विध्रुव को स्थितिज ऊर्जा शून्य मान लेकर ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच के कोण की स्थिति में तो ध्रुव की स्थिति ऊर्जा जो है खाली घुमा फिरा के उतना ही पूछा है कि क्या होगा राइट आंसर ठीक है सबको पता है कि सर बारसठ बड़ा हाईलाइटेड क्वेश्चन है ठीक है थीके? पी वेक्टर ई वेक्टर यानी राइट आंसर सी थी, ठीक है बारसठ का नहीं नहीं डॉट नहीं जोगा जी पी वेक्टर गुने ई वेक्टर चलिए आगे बढ़े हाँ आगे बढ़ते हैं हाँ जी हाँ जी चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो देखो हम आपके मदद के लिए यहाँ पे खड़े हैं हम किसी से थोड़ी ना कोई भाई ऐसा है कि हम किसी बच्चे को चाहेंगे कि वो पास नहीं हो या उसके कम मार्क्स हम चाहते हैं हर बच्चा यहाँ से पास होकर एक बेहतरीन मार्क्स लेकर यहाँ से जाए आप अच्छा अगर आप अपना बिहेवियर अच्छा रखिएगा तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे प्रॉमिस करते हैं ठीक है थोड़ी ना आपसे कोई लड़ाई है कोई दुश्मनी है सब हमारे लिए सब बराबर है बस डिपेंड करते हैं कि ये आपके ऊपर ठीक है आपके ऊपर डिपेंड करता है एक आवेश चालक का क्षेत्र आवेश सिग्मा घनत्व जो है आवेश घनत्व क्या है सिग्मा है ठीक है इसको ऐसे लिखेंगे आवेश घनत्व सिग्मा है तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा बहुत बेहतरीन लाजवाब सवाल है कि एक आवेश चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व जो है क्षेत्र आवेश घनत्व क्या है सिग्मा है तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान जो होगा हो ये क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री रहा है

पैसठ और छियासठ पे आ जाए कोई बात नहीं बाई मिस्टेक हर इंसान से होता है ठीक है गलती हर इस, हर इंसान से होती है चुंबक के क्षेत्र के फलक्स की इकाई जो है वो क्या है और चुंबक क्षेत्र बी वेक्टर का ऊर्जा घनत्व तो क्या है दोनों जो है ये दोनों का दोनों मोस्ट वीवीआई है ठीक है मोस्ट वीवीआई है चुंबकीय क्षेत्र के फलक्स की इकाई क्या होती है क्वेश्चन नंबर पैंसठ और चुंबक के क्षेत्र बी वेक्टर का ऊर्जा तो क्या होगा तो पैंसठ और छियासठ का राइट आंसर बताइए तो पैंसठ का राइट आंसर जो होगा अच्छा पैंसठ का बी हाँ ये तो आसान था हेनरी और छियासठ जी छियासठ बी स्क्वायर बटे म्यू नोट नहीं कहा है ये हाँ छियासठ का ए पैंसठ का बी होगा बच्चा सठ यास। का ए होगा जी और कुछ <laughs> रुकिएगा एक सेकंड थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे बच्चे पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं ठीक है अच्छा प्रेरकत्व का होता है हेनरी अच्छा ऐसा बच्चों का कहना है ना हाँ ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है चुंबकीय वेक्टर में ऊर्जा गणत तो जो होगा ये बिल्कुल सही है ठीक है ये हंड्रेड परसेंट बिल्कुल सही है अगर आप कह रहे हैं कि गलत है तो बिल्कुल गलत आप कह रहे हो ठीक है हाँ ये ठीक है वेवर होगा ये चुंबकीय देखो चुंबकीय फलक्स का ऐसा ही मात्रक तो बेबर होगा लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के फलक्स का ऐसा ही मात्रक थोड़ा सा यहाँ से डेरिवेशन करना पड़ता है कभी कभी पैंसठ का ए होगा अरे भाई इतना बी चलिए पैंसठ नंबर क्वेश्चन जो है ना एक पीछे और ये ये आपका कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन कर देते हैं ठीक है चलो इसके ऊपर मंथन किया जाएगा ध्यान से आगे बढ़े अमरजीत हाँ जी अमरजीत अप्लीकेशन पे ओके ओके कल करवाते हैं चलिए छोड़िए इसको एक क्वेश्चन से टेंशन नहीं लेना है ज्यादा आई सिक्सटी सेवन उदग्र तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है इसकी ओर एक छड़ चुंबक लाया जा रहा है चुंबक का उत्तरी की ओर है तथा चुंबक की तरफ से देखने पर कुंडली में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा जो होगी वो किस तरह से होगी ये क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 67. और राइट आंसर होगा भाई कि सर ऐसे कंडीशन में वर्त हो जाएगा चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हाँ कोई बात नहीं मिस्टेक एक होगा चलिए सिक्सटी सेवन हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट अड़सठवा सवाल कि यदि धारा और विभवांतर के बीच चलिए धारा और विभवांतर के बीच कालांतर अगर फाई हो कालांतर क्या हो फाई हो क्वेश्चन गलत मिस्टेक है यदि धारा और विभवांतर के बीच कालांतर अगर फाई हो तो शक्ति गुणांक जो होगा चलिए अब थोड़ा गति लाते हैं एक क्वेश्चन के खत्म हो जाने से हम अपना पढ़ाई रोक नहीं सकते ना अनु आईपीएस चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा गति लाइए फटाफट करिए यदि धारा और विभवांतर के बीच कालांतर फाइव हो तो शक्ति गुणांक क्या होगा क्वेश्चन नंबर अड़सठ और फटाक्षर आंसर मानते हैं क्या होगा जी बहुत बढ़िया कॉस फाइव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन चलो आगे बढ़ते हैं बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे आपने सुना है ना वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो सामने पहाड़ हो सिंह का दहाड़ हो आगे तुम बढ़े चलो पीछे तुम मुड़ो नहीं उनत्तर 69, वन बटे एल डब्ल्यू की इकाई क्या है ओमेगा इसको कहेंगे जी नहीं, नहीं अड़सठ का गलत नहीं है बिल्कुल बच्चा अड़सठ का बी इज द राइट आंसर अड़सठ का भी, भी बी मारे है ना हाँ जी 68 का भी हो चुका है 69 बताइए और एक सीधी चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखी गई है इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाए तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा तो चलिए क्वेश्चन नंबर 69 और 70 दो क्वेश्चन है तो 60 अच्छा ये तो हमारी सबसे 69 राइट right आंसर होगा नन ऑफ जी इसमें से ऐसा कोई नहीं है इसका इकाई ठीक है चलिए और सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है राइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके बीच इसके बीच की जो धारिता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सत्तर नंबर क्वेश्चन सर ऐसे कंडीशन में इसकी धारिता जो है इसके सिरों के सॉरी इसके सिरों के बीच का जो विवांतर है वो बढ़ेगा सत्तर का भी लक्ष्मी कुमारी बिल्कुल सही आंसर है बच्चा चलो सत्तर का बी आगे बढ़ते हैं इकहत्तरवे सवाल की ओर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन फटाफट करते हैं और 72 एक साथ गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने की जरूरत है ये क्वेश्चन नंबर इसमें भी देखिए फिगर नहीं है बाय मिस्टेक टाइपिंग का मिस्टेक है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में जरूरत है क्या गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में जरूरत है उच्च प्रतिरोध का उच्च प्रतिरोध का गैल्वेनोमीटर है, है तो कर तो, तो इग्नोर करते हुए तिहत्तरवे के ऊपर चलते हैं तिहत्तरवे और चौहत्तरवे सवाल की ओर तिहत्तरवा सवाल कहता है आपसे द्वितीय नियम कौन सा नियम है बहुत बेहतरीन इकहत्तर को इग्नोर करेंगे बहत्तर सॉरी बहत्तर को क्वेश्चन नंबर तिहत्तर क्रचौप का द्वितीय नियम है जी कौन सा नियम और क्वेश्चन नंबर चौहत्तर भी जो है वो आपका चित्र में दिखाए गए ये भी कुछ क्वेश्चन जो है वो बाय मिस्टेक फिगर हम नहीं बना पाए मतलब ये टीम का काम था पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं बनाया तो कोई बात नहीं एक दो क्वेश्चन को इग्नोर करेंगे तो किचौप का नियम जो है वो तिहत्तर का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका बी ऊर्जा संरक्षण नियम क्या हो जाएगा तिहत्तर का बी बहुत बढ़िया चौहत्तर में फिगर नहीं है इसलिए हम चौहत्तर को भी इग्नोर करते हैं आगे बढ़ते हैं पचहत्तरवे सवाल पर पचहत्तरवा सवाल वीट स्टोन सेतु से तुलना करता है वीट स्टोन सेतु से तुलना करता है किस चीज का प्रतिरोधों का धाराओं का विवांतरो का और सभी और मृग मरीचिका का कारण ये तो भाई टेंथ में भी पढ़ना है नहीं मृग मरीचिका पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन बताओ जी और अपवर्तन दोनों काम करेगा ये तो पचहत्तर का राइट आंसर जो हो गया ये हो गया ए और छिहत्तर का भी राइट आंसर ही होगा यानी मृग मरीज का जिसको बोलते हैं आवास होना त्रिछना का आवास होना मतलब सामने कुछ रखा हुआ है लग रहा है कि है ही नहीं मतलब नहीं भी है तो लग रहा है कि है इस तरह से मृग मरीजी का सतरवा सवाल सतर और अठहत्तर दो सवाल आ चुके हैं आपके स्क्रीन के ऊपर बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा सतहत्तर और अठहत्तर दो सवाल आ चुके हैं आपके स्क्रीन के ऊपर बहुत बढ़िया सतहत्तर करें पतली झीले के रंगीन होने का सबसे प्रमुख कारण पतली झिल्ली के रंगीन होने का सबसे प्रमुख कारण सतहत्तर बताओ पतली झिल्ली के रंगीन होने का सबसे प्रमुख कारण बताओ जल्दी बताइए फटाफट राइट आंसर सतर का क्या होगा जी